999 की मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। सिवान में तेज रफ्तार वाहनों के कारण लगातार सड़क घटनाएं हो रही हैं और लोग इस जाने भी जा रही है। इसी क्रम में सिवान में एक अनियंत्रित कार पलट गई जिसमें एक चालक की मौत हो गई। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के श्रीनगर में मैरवा सिवान मुख्य मार्ग की है, जहां अनियंत्रित होकर एक चारपहिया वाहन पलट गई जिसमें ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गाड़ी मैरवा मझौली रोड की है। ड्राइवर गाड़ी से गरड़िया गांव से कुछ लोगों को मैरवा के सानाई मैरिज हॉल में शादी समारोह में छोड़कर पुनः गुठनी मोड़ के तरफ जा रहा था, तब तक वाहन अनियंत्रित हो गया और पलट गया, जिसमें ड्राइवर की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और गाड़ी में बैठे व्यक्ति घायल हो गए। मृतक की पहचान गरड़िया निवासी चंदन कुमार यादव के रूप में हुई है। घायल व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं इस घटना से मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गया और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, मैरवा थाना क्षेत्र के श्रीनगर में मैरवा सिवान मुख्य मार्ग की है, जहां एक अनियंत्रित होकर चारपहिया वाहन पलट गया जिसमें ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि गाड़ी मैरवा मझौली रोड की है। ड्राइवर गाड़ी से गरड़िया गाँव से कुछ लोगों को मैरवा के एक मैरिज हॉल में शादी समारोह में छोड़ने के लिए गया था और छोड़कर वापस गुठनी मोड़ के तरफ जा रहा था, तब तक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें ड्राइवर की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। गाड़ी में बैठे व्यक्ति भी एक घायल हो गया। मृतक की पहचान गडरिया निवासी चंदन कुमार यादव के रूप में हुई है। तो वहीं घायल व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो पाई है। जी बताइए, जो एक्सीडेंट हुआ है कैसे हुई है? ये रात को बहुत ही तेजी के साथ जा रही थी, बहुत तेजी के साथ अनियंत्रित होकर ठोकर मार दिए। इसमें कितने लोग की मौत हो रही है? इसमें एक लोग की मौत हुई है बस। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? इतना मिला है कि मैरवा की गाड़ी है। मैरवा गाड़ी जी। नाम बताइए अपना। सत्येंद्र चौहान, विधायक प्रतिनिधि मैरवा। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल। साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।